हेलो एवरीवन वेलकम टू तरुना एस दिस इज योर होस्ट एंड दोस्ट शिवम शुक्ला सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट सीरीज दैट इज़ टॉप सेवेंटी फाइव इशूज़ इन न्यूज़ द इशू फॉर टुडे इज प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड वाई दिस टॉपिक सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों चूज़ किया ये इसलिए चूज किया क्योंकि इस पर रेगुलरली सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए हैं कमेंट्स आए हैं ठीक है और इसको रिस्ट्रक्चर करने की बात करी है कई बार सुप्रीम कोर्ट ने और स्पेशली लेटेस्ट जो केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में यूज़ करना है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज में यूज़ करना है ठीक है इसका बहुत फ्रिक्वेंटली अब्यूज़ जो होता है उसको लिमिट करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट तो ये प्रोबेबल टॉपिक है पॉलिटी के अंदर जीएस पेपर टू में ये पूछा जा सकता है या फिर विद रिस्पेक्ट टू द परस्पेक्टिव ऑफ यू नो जीएस पेपर फोर में भी इसका कुछ ना कुछ रेफरेंस करके पूछ सकते हैं के स्टडी बना के पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाई इन न्यूज़ ठीक है वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक वॉज इन न्यूज़ सो हेयर इज द रेलिवेंट कमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गेव द रूलिंग दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन टू बी यूज ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज दिस पर्टिकुलर की वर्ड यू कैन यूज जब भी क्वेश्चन आएगा ठीक है कोड एम्फोसाइजेज दैट प्रिवेंटि डिटेंशन इज एन एक्सेप्शनल पावर नॉट द यूजल पावर विच यू अब्यूज ऑन रेगुलर बेसिस दिस अफेक्ट्स द पर्सनल लिबर्टी डायरेक्टली एंड शुड बी स्पेयरिंगली यूज स्पेयरिंगली मतलब जितना रेयर केसेस में हो सके इसको यूज़ करो एंड वट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे एंड वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूनिटिव अटेंशनो डिटेंशन

पहले से मतलब क्राइम कमिट होने से पहले ही डिटेन करके रख लेना है नॉट यूजिंग लॉ एंड ऑर्डर जो काफ़ी वेग टर्म है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है तब ही आप इसको यूज़ करोगे दिस वॉज सेट बाय एक्सप्रेसिटली सेट बाय सुप्रीम कोर्ट ठीक है एंड सुप्रीम कोर्ट टुक अ डिसीजन ऑफ यू नो रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस जिसमें दे सेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एम्स टू प्रोटेक्ट सोसाइटी बाय इंटरसेप्टिंग एंड प्रिवेंटिंग पोटेंशियल हार्म इट प्रीवेंट्स द क्राइम फ्रॉम हैपनिंग एंड इंटरसेप्टिंग इट यू नो काइंड ऑफ पहले से ही उसको ट्रेस कर लेता है कि भाई uh, उसकी ओरिजिन कहाँ जा रही है और उस पर्टिकुलर यू नो उसको uh, अरेस्ट कर लेता है एक और केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जो एक कमेंट आया था इसके तहत प्रिवेंटेड डिटेंशन मस्ट फॉल विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन फोर कॉर्नर्स उसने बताए थे कि फोर कॉर्नर्स ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन से बाहर नहीं जाना चाहिए रेड विथ आर्टिकल ट्वेंटी में रहना चाहिए उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए एंड द दीट्यूड इन क्वेश्चन दैट इज फॉर पब्लिक ऑर्डर टू बी डिस्टर्ब देयर मस्ट बी इन टर्न पब्लिक डिसऑर्डर यानी क्या है कि स्टेट बोलता है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होना चाहिए उतनी ऑपोजिट सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए इस चीज का एंटिसिपेशन होना चाहिए इसके लिए एक यू नो परफेक्ट ग्राउंड होना चाहिए देन यू कैन डिटेंट सम समवन प्रीवेंटिवली नेक्स्ट मेयर कंट्रावेंशन ऑफ लॉ कि भाई लॉ वायलेट हो सकता है बिफोर इट कैन बी सेट टू अफेक्ट पब्लिक ऑर्डर मस्ट अफेक्ट द कम्युनिटी और द पब्लिक एट लार्ज ठीक है भाई वही बात कह रहे हैं कि भाई स्पेयरिंगली यूज करना है पब्लिक डिसऑर्डर की बात कर रही करी है इसमें नॉट द ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर नॉट द यूजल लॉ एंड ऑर्डर के सब कुछ सेम चल रहा है आपने वैसे ही किसी को रैंडमली अपने पावर मिस यूज करके अपने पावर को अरेस्ट कर लिया ठीक है नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि वॉट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक है सो एज यू कैन सी द सिंपल डेफिनेशन विच यू कैन यूज इन इंट्रोडक्शन एंड एंड ऑल्सो कैन यूज इट टू कंपेयर

ठीक है यू नो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में अरेस्ट नहीं करते बट सिर्फ डिटेंट करके रख लेते हैं एक हाउस अरेस्ट टाइप चीज मान लो आप ठीक है दिस इज अ प्रिकॉशनरी प्रिकॉशनरी मेजर बोले तो क्राइम कमिट होने से पहले ही हो रहा है प्रीकॉशनरी मेजर टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंसेस एंड नॉट पनिशमेंट फॉर पास्ट ऑफेंसेस मतलब जो क्राइम कर दिया उसकी पनिशमेंट नहीं है ये फ्यूचर में जो कर सकता है उसके लिए उसको डिटेंड uh, करके रखा है कि भाई उसको मौका ही नहीं देंगे कि हम वो ये चीज कर पाए ठीक है नेक्स्ट इज एक डेटा पॉइंट है जो आप यूज कर सकते हो ओवर एक लाख से ज्यादा लोगों को सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है वेरी बिग फिगर ठीक है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हाइएस्ट सिंस टू थाउजेंड अ यहाँ पे ये प्रूव होता है कि भाई काफी लूजली यूज हो रहा है ये जबकि इसमें बोला गया था कि दिट इट शुड बी यूज इन एक्सेप्शनल ठीक है सर्कमस्टेंट आर द ग्राउंड ये किसी ना किसी सु, सु, सुप्रीम कोर्ट के केस के तौर पे धीरे धीरे यू नो स्पेसिफाई हुए हैं ये ग्राउंड इसमें सबसे पहला ग्राउंड है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगर सिक्योरिटी को खतरा है तो ही आप यू कैन डिटेंट समीवेंटिवली प्रिटिव डिटेंशन आप तभी यूज कर सकते हो नेक्स्ट इज

सप्लाई एंड एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस कंटिन्यू रहे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करते हुए हम प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज कर सकते हैं ठीक है नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन वर्सेस अरेस्ट वर्सेस प्यूनिटिव डिटेंशन व्हाट डज इट मीन सिंपल सिंपल डेफिनेशनस हैं छोटी-छोटी चीजों का एक बेसिक डिफरेंस है अरेस्ट क्या है चार्ज्ड विद क्राइम प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ये इस चीज का वो है मतलब कि आपने किसी को अरेस्ट किया और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया दैट इज दैट दैट टेक्निकली मीन्स गेटिंग अरेस्टेड आपको यूजुअल जो इंस्टीट्यूशन होता है अरेस्ट करने का जेल या यू नो पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी में वहाँ आपको रखा जाएगा दैट मीन्स यू आर गेटिंग अरेस्टेड नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन यू आर यहाँ पे टेक्निकली अरेस्ट यूज नहीं होता यू आर जस्ट डिटेंड टू रेस्ट्रिक्ट एक्शन दैट मे हार्म पब्लिक ऑर्डर बेस्ड ऑन सस्पेशन यहाँ पे आपने सस्पेशन के बेसिस पे स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे पब्लिक ऑर्डर को हार्म ना हो जाए इसलिए आपने किसी पर्सन को डिटेन कर लिया प्रिवेंटिव तौर पे बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द क्राइम ठीक है तो दिस इज दिप सिंपल डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे अरेस्ट के केस में क्राइम हो चुका है ठीक है और यहाँ पे क्राइम हो सकता था उसको प्रिवेंट किया है नेक्स्ट इज द डेफिनेशन अगेन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन ना कोई कन्विक्शन होगा ना कोई ट्रायल होगा उसके बेसिस पे डिटेंड कर लिया बेस्ड ऑन सस्पेशन टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंस ना हो जाए ठीक है फ्यूचर स्टोरी ओरिएटेड है वॉट इज द पर्पज पर्पज है प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइम्स नॉट पनिशिंग पास्ट ऑफेंसिस पास्ट ऑफेंस के लिए हम पनिश नहीं कर रहे फ्यूचर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए इसको राइट्स क्या क्या अवेलेबल नहीं है ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी टू स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट अरेस्ट एंड डिटेंशन के राइट्स फंडामेंटल राइट है ठीक है अरेस्ट और डिटेंशन नॉर्मल डिटेंशन मतलब आपको अगर क्राइम uh, कमिट हो गया है है उसके बाद अगर आपको आपको अरेस्ट कर रहे हैं हैं तो आपके कुछ राइट्स ठीक है, है? जैसे आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है या इसके अलावा आपको मतलब आप अपने लिए वकील कर सकते हो ये सब चीजें आपको आपके आपके बारे में रा, 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 राइट्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा ऑल सच राइट्स आर नॉट अवेलेबल अंडर द प्यूनिट प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन कौन से राइट्स हैं जैसे कि जब आपको अरेस्ट कर रहा है तो आपको ग्राउंड बताएगा कि भाई किस बेसिस पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्म करना जरूरी होता है ठीक है तो ये इस केस में नहीं करते नेक्स्ट इज लीगल कंसल्टेशन का राइट right. ठीक है वकील को बुलाने का कि भाई आप मुझे अरेस्ट करने वाले हो पहले मुझे मेरे वकील से बात करनी है ये चीज़ भी इसमें नहीं है अवेलेबल नहीं है प्रोडक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स यूजल केसेस में आपको आपने अरेस्ट किया पुलिस ने आपको आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना ही है बट इस केस में ये एक्सेप्शन है कि नहीं आ, जाना पड़ता एंड रिलीज विदाउट मजिस्ट्रेट ऑथराइजेशन मतलब जब तक मजिस्ट्रेट नहीं बोलता तब तक आपको रिलीज नहीं कर सकते ये भी एक राइट right है बेसिक राइट अंडर यूजुअल डिटेंशन डिटेंशन एंड अरेस्ट बट ये प्रिवेंटिव prevent, के केस में लागू नहीं होता ठीक है नो पर्सनल लिबर्टी राइट गारंटीड अंडर एंड एंड आर्टिकल मतलब इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी डिटेन कर लिया जाता है वहां

Purpose क्या है पनिशिंग द क्राइम पनिशिंग फॉर द क्राइम कमिटेड आपने जो भी क्राइम कमिट कर दिया था वो प्रूव हो गया है उसकी आपको सजा मिल गई है तब आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज डिटेंशन इसमें आपको राइट्स अवेलेबल हैं मतलब तो आपने क्राइम कर दिया तो ज्यादा राइट्स अवेलेबल हैं दैट इज काइंड ऑफ आयरनी कि आपने एक तरफ ऑफेंस किया ही नहीं एंड आपके सारे राइट्स छीन लिए और इस केस में आपने क्राइम कमिट कर दिया तब तो आपके पास राइट्स अवेलेबल हैं तो दैट दैट इज वाई दिस

Uh, या तो गुंडे हो यू you नो know, या डॉन हो या इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर uh, हो टाइप की चीज आपने करी हो बहुत रेयर बहुत हीनस क्राइम किया हो तब ऐसी चीजें लागू होनी चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इन इंडिया अ टाइम इसमें मैंने टाइम वाइज के भाई कौन से कौन से लॉज आए हैं और रिपील भी हुए हैं क्योंकि ये इतना uh, you know, uh, इतना कंट्रोवर्शियल लॉ है इसमें चर्चा चलती रहती है कानून आता है और जाता है इसमें बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं एक अधिकारी के हाथ में दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड वेरी यू नो कंट्रोवर्शियल तो इसमें फर्स्ट टाइम सबसे पहले ब्रिटिश ने स्टार्ट किया इसको लाना ठीक है बेंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ये एक रेगुलेशन आया इट एम्पावर डिटेंशन बेस्ड ऑन सस्पिशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल तो इसकी बीज जो बोया वो ब्रिटिश ने बोया अगेंस्ट इंडियंस ठीक है नेक्स्ट 1939 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया दैट अलाउड इन द लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेंशन फॉर नेशनल डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी के केस में इसको डिटेंशन को लागू करते थे नेक्स्ट इज 1950 में पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहला लॉ प्रंटिव डिटेंशन एक्ट मतलब ब्रिटिश के जाने के बाद भी हमें अपने इंडियंस पे शक रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सिक्योरिटी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो करेगा उसके लिए

ट कर लेते थे उसकी सारी लाइफ उसकी रोक देते थे उसके सारे बेसिक राइट्स चले जाते थे ठीक है तो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज एप्रोगेटेड मतलब वापस से ले लिया गया क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल रहा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो आया वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरिन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट कोफे पोसा ठीक है uh, ये किया गया था टू मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज एंड डिटर स्मगलिंग बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती थी आपने काफी सारी मूवीज भी देखी होंगी जो स्मगलिंग जिसमें बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई जाती है और फॉरेन एक्सचेंज यानी इंडियन करेंसी को गिराते थे इस तरह से इस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश होती थी इस पर्टिकुलर लॉ को इसी पर्टिकुलर चीज से आ, लड़ने के लिए लाया गया था नेक्स्ट वॉज इन नाइनटीन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो आया था एक्ट दैट इज़ टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट टाडा जिसको बोलते हैं टाडा आपने सुना होगा टाडा लगाया गया था ऑन संजय दत्त जो काफी चर्चा में रहा था ठीक है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू कॉम्बैट टेररिज्म ड्यूरिंग पंजाब सेपरेटिस्ट मूवमेंट पंजाब की जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था उसके बाद जो पंजाब की यू you नो know, खालिस्तान मूवमेंट को दबाने के लिए ये पर्टिकुलर लॉ लाया गया था और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ था अनलिमिटेड पावर्स थे उसके हाथ में आ, सरकार के हाथ में देन इसको लैप्स हो गया ये दस साल के लिए लाया गया था 1995 में ये पर्टिकुलर लॉ लैप्स हो गया फिर 2001 में एक और लॉ लाया जो वाजपेयी सरकार ले किया काफी अगेन अब्यूज हुआ था बहुत ज्यादा प्रोमिनेटली चाहे किसी को भी बहुत लूजली गिरफ्तार कर लेते थे और वो उसकी लाइफ तो हमेशा के लिए गई क्योंकि वो टेररिस्ट घोषित हो जाता था ठीक है नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव सॉरी टू में आया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट यू एसका भी होती रहती है अनलिमिटेड पावर एक सौ अस्सी दिन तक विदाउट ट्रायल आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता है तो अगेन ये भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लॉ है बट इसमें आ, ये क्यों लाया गया टू अड्रेसरेटिस्ट मूवमेंट एंड इकोनॉमिक थ्रेट्स जो भी आती हैं दोनों के केस में इसको लागू करने के लिए बट समवेयर इट इज ऑल्सो बींग यूज एज अ टूल और वेपन टू सप्रेस द डिसेंट ऐसे ही चर्चाएं होती रहती हैं ठीक है क्योंकि बहुत इस इस केस में बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज किया गया है बट कन्विक्शन रेट बहुत कम रहा है ठीक है देन क्योंकि कोर्ट में चार्जेस प्रूव ही नहीं हो पाते बट यहाँ पे क्या है कि उस जो भी जिसके अगेंस्ट ये लगाया गया उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है ठीक है

दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन इज वेरी कंट्रोवर्शियल इसके बारे में आए दिन आर्टिकल्स आते रहते हैं कि भाई इसको लिमिट करना चाहिए इसमें स्टैंडर्डाइज करनी चाहिए चीज़ें और एक्सप्लिस स्टेट करना चाहिए कि किसको हम टेररिस्ट घोषित करेंगे अब लॉ हैं तो कुछ सेफ गार्ड्स भी हैं रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक है तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या लिखा है हम आर्टिकल वाइज देख लेते हैं आर्टिकल ट्वेंटी टू स्पेसिफिकली डिटेंशन और अरेस्ट की बात करता है ट्वेंटी टू वन में क्या लिखा है

एनिमी एलियंस वज डिस्टर्म मीन एनिमी एलियंस मीनस कुछ ऐसे कंट्रीज के नागरिक रहने वाले नागरिक जो हमारे दुश्मनों में गिने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान मे बी बांग्लादेश चाइना ऐसे कुछ कंट्रीज के लोग उनको हम भी एक्सेप्शन है उसके केस में ये लागू नहीं होता और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन जिनके अगेंस्ट लगाया गया है उसके लिए भी ये लागू नहीं होता नेक्स्ट क्लॉज क्या कहता है मैग्जिम डिटेंशन पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स

रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ जैसे चार्जेस क्या एफ आई आर है मेरे अगेंस्ट ये सब चीज़ें बता होने चाहिए आरोपी को भी पता होना चाहिए दैट्स वाई क्योंकि वो अपने अगेंस्ट एक अच्छा डिफेंस क्रिएट कर पाए तो दिस इज इज और हर बेसिक राइट आप उसको बताने से नहीं रोक सकते फाइनल देयर इज सेवन बी ट्वेंटी टू सेवन बी यहाँ पे क्या बोलते हैं पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड एंड सर्कमस्टेंसेज थ्रू लेजिस्लेशन तो इसमें पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दी थी तो उसने लॉ बनाया था लेजिस्लेटिव डिटेंशन एक्ट ठीक है अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है आप इसको कॉन्क्लूजन uh, या वैसे इन्फॉर्मेशन में केसेस मैंने बहुत सारे लिस्ट कर दिए हैं बट आप कुछ इंपॉर्टेंट केसेस उठा के उसको यू uh, नो you know, uh, 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 अपने आंसर्स को फ्रेम करने के लिए इसको यूज कर सकते हो तो पहले तो ओवरऑल कमेंट आप जनरल कमेंट देख लो कि भाई ये लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन ये चीज कही है क्या कही है

और क्योंकि हमें बचाना है आर्टिकल ट्वेंटी टू फाइव के प्रोविजन को के तहत ठीक है नेक्स्ट लाल स्टेट यूपी कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन नहीं कर सकता केवल क्वेश्चन जा सकता है कोर्ट ये, ये ऐसा बोला था इस पर्टिकुलर केस में यानी लाल में लालंभुनाथ शंकर वाले केस में वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल इस केस में क्या बोला प्रिवेंटिव डिटेंशन दो ड्रेकोनियन इज नेसेसरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी ये ड्रेकोनियन लॉ यानी काफ़ी ड्रैक्यूलर टाइप्स उस तरफ से आता है कि भाई डराने वाला है एक नॉर्मल सिटीजन को तो बट उन्होंने बोला कि ड्रेकोनियन है बट इस इट इज नेसेसरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी अदरवाइज मतलब इन्वेस्टिगेटिव uh, एजेंसीज के पास ज़्यादा कुछ लेवरेज uh, बचता नहीं है कि वो किस बेसिस पर कार्यवाही करें राम मनोहर लोहिया वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार इस केस में उन्होंने जो कोर्ट है उसने प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया कि इज इज पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एज ग्राउंड फॉर डिटेंशन मतलब ये जो तीन ग्राउंड बताए इसमें तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ये बताने की कोशिश करी इन राम मनोहर लोहिया केस में ठीक है ये आप ये एक इंपॉर्टेंट केस हो गया इस केस में और दूसरा आपका अपहेल्ड दिस वन इम्पॉर्टेंट केस एंड इज ऑल्सो जब आप पॉजिटिव तो मतलब भी बोला है कि Bengal, क्या है? Uh, बोला द जेनुइननेस ऑफ द सेटिस्फेक्शन लीडिंग टू डिटेंशन कि कितना जेन्युन है जिस तरह से, से अरेस्ट कर रहे हो इसको कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है ठीक है तो सस्पिशन कैन बी क्वेश्चन इन द लॉ ठीक है इन द कोर्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस अलीजब वर्सेस डीएम ऑफ धनबाद इस केस में बोला कि यू नो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मोटिव है स्टेट सिक्योरिटी वाले जो स्टेट सिक्योरिटी की थ्रेट है उस उन क्राइम्स को बचाना तो दिस कैन बी डन ठीक है तो इस केस में कोर्ट uh, का स्टैंड ये था नेक्स्ट अंकुल चंद्रा प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में क्या बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन प्यूनेटिव नहीं है बट मीन्स टू अवर्ट पोटेंशियल थ्रेट्स ठीक है भले ही प्यूनिटिव नहीं है क्राइम हुआ नहीं है लेकिन काफी सारे पोटेंशियल थ्रेट्स को लड़ने के लिए टैकल करने के लिए इट इज नेसेसरी ठीक है नेक्स्ट इज प्रेम नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में बोला कि पर्सनल फ्रीडम को जब बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा तो यहाँ पे स्टैंड चेंज होने लग गया है, सुप्रीम कोर्ट का उसमें उन्होंने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन भाई पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल फ्रीडम को पूरी तरह से इन्फ्लूंस कर देता है

एडोकेट पावर्स नहीं होंगी हमारी इन्वेस्ट एजेंसीज के पास तो वो कैसे प्रिवेंट करेंगे क्राइम ठीक है तो टेररिज्म और वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ़ फॉरन एक्सचेंज इट डिटर्स स्मगलिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी एक्टिविटीज़ जो देश की रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाती हैं वो एक्टिविटीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है फॉरेन एक्सचेंज को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पूरा इकोनॉमी हमारा डिपेंड करता है तो इट इज़ यू नो वेरी क्रिटिकल एरिया तो यहाँ पे हमें चाहिए ही पड़ेगा इतना स्ट्रॉन्ग लॉ नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जिसकी वजह से पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे ये जनरल पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोएक्टिव अप्रोच दिस प्रिवेंट्स क्राइम बिफोर दे अकर भाई हो जाए उसके बाद सजा मिले कुछ लाखों लोग हजारों लोग मर जाए तब करने दोगे क्या आप अगर पुलिस प्रोएक्टिवली काम करना चाहती है तो उसको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उतने राइट्स मिलने चाहिए ना लॉ उतना पावर मिलना चाहिए तो दैट इज इंपॉर्टेंट विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपरली ग्राउंड मेंशन है तो वही हटाना क्यों है इसको? इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू इमरजिंग थ्रेड जो भी इमरजिंग थ्रेड्स आ सकती है कई बार बहुत अलग अलग नेचर की थ्रेड्स आ जाती है तो उसके केस में हमें एज अ पावर चाहिए रहेगा ठीक है इवॉलविंग सिक्योरिटी चैलेंज अब जैसे मान लो ड्रोन वाला शुरू हो गया है पहले नॉर्मल अटैक्स होता था ग्राउंड पे बट अब ड्रोन आ गया तो ड्रोन को भाई कंट्रोल करना है तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में यूज करने के लिए हमारे पास एक्सेप्शनल पावर होनी चाहिए तो भले ही हम इसको रेयरली यूज करेंगे बट रहना तो चाहिए हटा नहीं सकते आप अदरवाइज फिर आप हमारे हाथ ही काट रहे हो इट्स लाइक दिस प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ये सेम ही है नेक्स्ट प्रोएक्टिव मेजर ये भी सेम है अपहेल्ड बाय जुडिशियरी टाइम एंड अगेन बार बार जब जब जुडिशल स्क्रूटनी हुआ है हर बार आर्बिट्रेरी एक्शन को आर्बिट्रेरी डिटेंशन को क्वेश्चन किया गया है ठीक है जुडिशियरी ने न्याय दिया है जस्टिस डिलीवर किया है तो दैट्स तो वाई दिस इज स्टिल रेलिवेंट जुडिशियरी ने सीधा नहीं बोला कि इसको हटा दो ठीक है इसलिए इट शुड बी देयर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ क्या है आपने डिटेंशन पीरियड को लिमिट कर दिया राइट टू नो ग्राउंड बता दिया और अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज भी दे दिया भाई आप कोर्ट भी जा सकते हो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन दे दिया तो डेफिनेटली यू हैव देश गार्ड अवेलेबल ठीक है आप जाओ कोर्ट आराम से डेटरेंट टू पोटेंशियल ऑफेंडर्स इट एक्ट एक्ट एज डेटरेंट अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हाई एंडर्ड क्रिमिनल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक डेटरेंट के तौर पर ये काम करता है कि भाई बहुत खतरनाक लो है इंडिया में अगर होगा ही नहीं तो कैसे कोई क्रिमिनल रुकेगा ठीक है अब वॉट आर द इशूज ठीक है सिग्निफिकेंस की तो बात कर ली इशूज क्या है एग्जीक्यूटिव टायरनी ठीक है ये टर्म आप सीधे सीधा, -सीधा यूज कर सकते हो कि भाई एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल को फेवर करता है लिमिटिंग जुडिशियल इंटरफेरेंस यहाँ पे जुडिशियरी को ज्यादा से नहीं मिलता ठीक है जब बाद में सब कुछ अरेस्ट कर लिया सब कुछ हो गया तब बाद में जुडिशियरी अगर इंटरवीन करे तो कोई मतलब नहीं रह जाता तब तक तो उसका राइट वायलेट हो गया ना तो ये आपको इंश्योर करना है ठीक है नेक्स्ट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट यहाँ पे आर्टिकल नाइनटीन फोर्टीन ट्वेंटी तीनों ही वायलेट हो रहे हैं सीधे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है मिस होता है बहुत ज्यादा क्योंकि डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन एक्चुअली जिस पर्पज के लिए बनाया गया था ना उस उसपज के लिए यूज नहीं हो रहा जो भी गवर्नमेंट का विरोध करता है उसके अगेंस्ट एकदम, you know, अगेंस्ट एकदम यू नो आर मोहम्मद जुबैर जिसके हटाया गया और भी ऐसे जो लोग हैं जिसके केस में बहुत लूजली, कलहिया कुमार के अगेंस्ट भी यूएपीए लगा दिया गया था ठीक है तो अब वहां पे उसको प्रिवेंटेड डिटेंशन कर तो लिया बट कोर्ट में चार्जेस प्रूव नहीं हुए तो दिस प्रूव दैट के भाई बहुत इनोसेंट की अगेंस्ट बहुत मिसयूज हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जो भी आपके अगेंस्ट बोलना चाहता है आपकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है आप उसके अगेंस्ट यूए लगा देते हो डर का माहौल बनाने की कोशिश करते हो दिस इज वन ऑफ द परस्पेक्टिव ठीक है देन बैकलॉग्स अच्छा ये ये एक किसी गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं है इट हैपन्स इन एवरी गवर्नमेंट रेजीम तो आप इसको पोलिटिकल एंगल से मत सोचिए इसके इसको आप नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से सोचिए जुडिशियल एंगल से सोचिए ठीक है कि जहां भी डिसेंट को सप्रेस करना है वहां पे ये uh, इसको आप स्लैप कर देते हो इस चार्जेस को ठीक है बैकलॉग्स डिलेड कोर्ट हियरिंग रिजल्ट इन परसिक्यूशन राधर देन जस्टिस आपने चार्जेस लैब कर दिए बट प्रूव नहीं हुए बट वो जो प्रूव होना था एक्विटल हुआ पांच पांच दस दस साल बाद हो रहा है तो उसकी लाइफ निकल गई उसकी प्रोडक्टिविटी निकल गई ठीक है तो उसका उसके साथ जस्टिस जस जस तो हुआ ही नहीं ना उल्टा यू you नो know, परसिक्यूशन हो गया उसका ठीक है एक बार जो इज्जत चली गई वो तो चली गई तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता देन एडवाइजरी बोर्ड

करके जो बंदा है जे वाला केस था उस केस में ये काफी बार ये चीज आई बार बार कि भाई विक्टिमाइजेशन हुआ उसको सुना ही नहीं गया कोर्ट में तारीख मिलती थी वो कोर्ट सुनता ही नहीं था उसको बेल नहीं देता था क्योंकि यू में बेल विदाउट बेल आप 180 डेज तक कर सकते हो तो वो फिर से क्या करते थे कि छ महीने अरेस्ट कर जस्ट छः महीना जब होने वाला है तो कोर्ट में पेश किया फिर से वापस से छ महीने के लिए अरेस्ट कर दिया इस यू ए पी ए का स्लैब चार्जेस स्लैब करके अब बाद में अगर बाई चांस इफ इट इज इट इज गुड कि भाई डिटेंशन कर रहे हैं बट अगर वो इनोसेंट प्रूव होता है बाद में mm, गिरफ्तार कर लेते हैं कि भाई कोई बहुत बड़ा ऐसा ग्राउंड सफिशियंट ग्राउंड नहीं मिल रहा कि आप पे इतना स्ट्रॉन्ग लॉट uh, मतलब डाला जाए बट स्टिल पेटी इशूज पे भी कई बार ऐसे चार्जेस लगा दिए जाते हैं नेक्स्ट इज लैक ऑफ डेफिनेशन क्लियर ग्राउंड फॉर डिटेंशन कोई प्रॉपर क्ली, क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि भाई किस बेसिस पे आप डिसाइड वायलेट हो रहा है एक तरह से अंग्रेज बन के आ गए दूसरे कॉलोनियल रेजीम को आप कंटिन्यू कर रहे हो ठीक है नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स तो बात हो गई है एंड सेफ नहीं है ग्राउंड जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किए जाते को जो भी जिसके अगेंस्ट भी ये चार्जेस किए गए हैं, तो तो अब ये तो की बात बट वॉट आर फॉरवर्ड बी लॉ तो सबसे पहली बात है जो भी है, उनको राइट टू कंसल्ट लॉयर फॉर अफेक्टिव डिफेंस होना चाहिए फ्री लीगल एड का प्रोविजन भी रहना चाहिए जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में आया है एडवाइजरी बोर्ड इट शुड कंजिस्ट ऑफ सिटिंग कोर्ट जजेस फॉर फेयर एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग अभी रहते हैं इसमें ठीक है तो इसमें बोला जाता है कि आप किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को रखो जिससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा फेयर रहे टाइम फ्रेम क्या है, 180 much, ठीक है? आप मिनिमम टाइम में उसको फिर से रिकन्सिडर करो एडवाइजरी बोर्ड के पास फिर से भेजो कि क्या आप प्रिवेंटेड डिटेंशन हटा देना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनोसेंट बेसिकली और हमारा लॉ वैसे भी यू नो रिफॉर्मिस्ट अप्रोच वाला है रिफॉर्मिस्ट जस्टिस वाला इंडिपेंडेंट ओवरसाइड्लिश अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एक uh, आप कमीशन बिठा दो इस चीज़ पे कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस को अलग से इन्वेस्टिगेट करे और उसमें ट्रांसपेरेंसी फॉलो हो रही है या मिस हो रहा है इसको जज करके बताए ऑन डेटा बैक ठीक है नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रिवेंट With 21 and 22 of the को एक्सेप्शन के तौर पर जो रखा है ठीक है उसमें भी मिनिमम बेसिक सेफ तो लेके आ जाओ ना भैया क्योंकि क्राइम ही कमिट नहीं हुआ है ठीक है और आप अगर लूजली यूज कर रहे हो तो दिस इज ग्रॉस इनजस्टिस तो यहाँ पे आपको जितना रैशनलाइज हो सकता है और एक्सेप्शन सरकमस्टेंसेज में यूज करो उस चीज का आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ध्यान रखना चाहिए वॉट शुड बी द फाइनल वर्ड ये एक वन ऑफ द कंक्लूजन है आप अपना बेटर आपके uh, दिमाग में हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो सो द प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया इज अम्प्लेक्स इशू विदवां एंड ड्रॉबैक्स डेफिनेटली हमने दोनों साइड देखा कि जितने एडवांटेजेस हैं उतनी ड्रॉबैक्स भी हैं ठीक है वाइल इट इट प्लेज अग्निफिकेंट रोल इन मेनटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटरिंग द्रेड्स कंसर्न रिगार्डिंग मिस यूज एंड वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लैक ऑफ प्रोपर सेफ गार्ड्स नीड टू बी एड्रेस्ट यानी दोनों साइड को बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे थ्रेड्स भी मिनिमाइज रहें ठीक है क्राइम्स जो बड़े क्राइम्स हैं वो नहीं कमिट हो पाए इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो प्रॉपर चेक हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉ ठीक है प्रॉपरली डिफाइंड प्रोसीजर्स हो कि भाई इस बेसिस पे ही हम आपको अरेस्ट करेंगे ग्राउंड्स में एम्बिगिटी ना हो ठीक है स्ट्राइकिंग अ राइट बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल लिबर्टीज यानी यही है एक तरफ इंडिविजुअल लिबर्टी है ठीक है दूसरी तरफ सिक्योरिटी है इन दोनों का इस तरह से इक्वेशन बनाए आप कि दोनों ही बैलेंस्ड रहे ठीक है एक पर्टिकुलर साइड ज्यादा टिल्ट ना हो जाए मतलब सिक्योरिटी को भी नुकसान ना हो और लिबर्टी भी बची रहे इस तरह से हमें बैलेंस बना के चलना है बिकॉज दिस इज क्रूशियल फॉर अ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी ठीक है आ, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन इंडिया आई होप आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिली रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिले होंगे जो इसको आप आंसर्स के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हो तो दिस इज ऑल फॉर टुडे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टेल अस द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू वांट एनी अदर इश्यूज दैट नीड्स टू बी कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू द मेन्स पर्सपेक्टिव यू कैन सजेस्ट अस इन द कमेंट्स वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर कंसिडरेशन टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे